खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। एक और जहां सरकार मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए हर खेत का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की योजना के साथ किसानों की बदतर स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजना चला रही है, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी एवं कृषि विभाग के आला अधिकारियों के लापरवाही के चलते पवई विकास खंड के लगभग 40,000 किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों के खेतों की मिट्टी का परीक्षण कर पोषक तत्वों की कमी व अधिकता पता करने के लिए स्थानीय तहसील मुख्यालय पवई में 7 से 8 साल पहले 30 से 40 लाख रुपए की लागत से मिट्टी परीक्षण केंद्र खोला गया है, ताकि किसान इनके अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति व फसलन चयन कर बेहतर उत्पादन ले सके। लेकिन जिम्मेदारों एवं स्टाफ संसाधनों की कमी से मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में 7 से 8 वर्षों से अभी तक ताला लटका हुआ है। नगर सहित क्षेत्र के 40,000 के लगभग से अधिक किसानों को खेती मिट्टी परीक्षण के लिए इधर से उधर भटकने के साथ जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में कृषि विभाग द्वारा स्थानीय तहसील मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर कृषि मंडी के नजदीक पन्ना कटनी रोड में 30 से 40 लाख रुपए की लागत से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया है, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ शुरू नहीं हो पाया है। पवई विकास खंड क्षेत्र से 82 ग्राम पंचायतों से 40,000 से अधिक किसानों की आबादी जुड़ी है। इन सभी किसानों को मिट्टी परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय पन्ना जाना पड़ता है, जिसमें किसानों की धन के साथ समय दोनों की बर्बादी होती है, नुकसान होता है। किसानों की समस्या को लेकर कृषि विभाग एवं जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस भवन में लाखों की मृदा परीक्षण करने वाली मशीन भी लगाई गई है, जो प्रशासनिक लापरवाही के कारण खराब हो रही है। लाखों की मशीन को चालू करने वाला कोई भी कर्मचारी नहीं है एवं इस महत्वाकांक्षी योजना पर जिम्मेदारी अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। वहीं भवन देखरेख के अभाव में बेहद खराब हो चला है। एक तरफ सरकार किसानों को मृदा परीक्षण स्वास्थ्य उपलब्ध कराने का अभियान चला रही है, वहीं पवई मुख्यालय में वर्षों पहले लाखों की लागत से बनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होती जा रही है, जो विभागीय उदासीनता का कारण है। लेकिन हैरानी की बात है, जिम्मेदारों एवं संबंधित विभाग भारत सरकार के किसानों के लिए मात्र योजना पर गंभीर क्यों नहीं है? हमारे यहाँ एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है, और ये हमको 25 दो 2019 से ये हैंडओवर किया गया है, और इसमें कोई कर्मचारी ना होने की वजह से ये जिले से मिट्टी का टेस्ट कराया जाता है और किसानों को लाभ दिया जाता है, और इसमें जो अभी जैसी कर्मचारी आ जाएंगे किसान को लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। फिलहाल सर ये विकास खंड के किसान पूरे भटकते नजर आ रहे हैं, इनके विषय में क्या कहना है आपका? जैसी कर्मचारी आ जाएंगे वैसी किसानों को यहाँ तुरंत लाभ दिया जाएगा, और फिलहाल में जिले से जो टेस्ट होके आता है वो किसानों को लाभ दिया जा रहा है। विगत 8 वर्षों से सर किसानों को भटकते हुए देख रहे हैं, अभी तक क्या विसंगता बिकन जी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। किसानों को हम लोग जो मिट्टी का सैंपल लेते हैं, जैसे अभी करीब 3,500 किसान का सॉइल सैंपलिंग ऑनलाइन किया जा चुका है, उसका किसान को लाभ दिया जा रहा है सर। अभी तो यहाँ क्षेत्र के किसान भटक रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें किसानों को जो भी किसान का जाते हैं तो वहाँ पर किसान के खेत की सॉइल सैंपलिंग करते हैं, उसको ऑनलाइन करते हैं। इसका शुभारम्भ क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सर वरिष्ठ अधिकारी से बात कर सकते हैं सर, उप संचालक कृषि पन्ना से बात करें सर। पवई से खबर समय जगत के लिए सफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।